आ गए आप फेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक CSP के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि सर कोई CSP मिल रहा है तो मुझे दिलवा दीजिए। बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड का शिकार भी हो चुके हैं केवल SBI के CSP के नाम पर। मैंने कमेंट बॉक्स पूरे भरे पड़े हुए हैं, मेरा पूरा टेलीग्राम ग्रुप भरा पड़ा हुआ है कि सर मेरे को CSP दिला दो, मेरे को CSP दिला दो, जितना पैसा लगता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं मेरे भाई, कि अभी के वक्त में SBI का CSP तो कहीं प्रोवाइड हो नहीं रहा है। जो कोड बंद हो चुके हैं वही कोड प्रोवाइड हो रहे हैं अभी के वक्त में। बट अभी के वक्त में CSE के माध्यम से एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन लोगों का CSP प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आज आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग फ्री में अपना बैंक का BC ले सकते हैं, चाहे वो एक्सिस बैंक का हो, ICICI बैंक का हो, HDFC बैंक का हो, या SBI बैंक का हो, राइट? तो आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा, पैसा आपको किसी को देना है कि नहीं देना है, ये सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। अभी के वक्त में बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। ऑनलाइन क्या होता है कि जाके रजिस्ट्रेशन तो कर देते हैं CSP के लिए, उनके पास कॉल आता है कि आपका ये जो CSP के लिए जो आपने आवेदन दिया हुआ था ये अप्रूव हो चुका है और आपको इतना खर्च आ रहा है, इतना पैसा करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो बहुत छोटा रकम आपसे मांगते हैं, 1,500, 2,000, 3,000 मांगते हैं, आप उसे दे देते हो। बट जैसे जैसे आप उसके जाल में फंसते जाते हो, वो आपसे पैसे का डिमांड और ज्यादा बढ़ाते जाता है। तो इन सबसे बचने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है CSE। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में CSE की ID नहीं है तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। अगर आपके पास में एक CSE की ID है तो CSE के ID के द्वारा आप 3-4 बैंकों का BC कैसे ले सकते हैं, इसमें से एक्सिस बैंक का, HDFC बैंक का, ICICI बैंक का, SBI का। फिलहाल SBI का तो आपको बिहार एंड झारखंड में अभी नहीं दिया जा रहा है और जगह मिल रहा है फिलहाल, लेकिन आप चाहें तो एक्सिस बैंक, CSP बैंक, ICICI बैंक, देन HDFC बैंक में भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपके पास में CSE ID नहीं है तो आपको यहाँ पे लिखना है गूगल क्रोम में digitalseva.cse.gov.in। ओके, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन। सिंपल आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुल के आ जाता है, या डायरेक्ट फिर आप अपना register.cse.gov.in लिखेंगे तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अगर आप CSE ID लेना चाहते हैं तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल ID का होना जरूरी है। ओके, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कैसे अप्लाई करना है। ये CSE ID आप यहां से अपना करके यहां से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद करना है कि BC के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, यानी बैंक मित्र बनने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले बैंक मित्र बनने के लिए आप देख सकते हैं bankmitra.cscloud.in, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको करना क्या, अगर आपके पास में CSE ID है, नहीं है तो यहां से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अगर आपके पास में है तो डायरेक्ट क्या करना है, VLE रजिस्ट्रेशन पे सिंपल आपको क्लिक करना है, राइट। बहुत सारे लोग हमारे कर भी चुके होंगे तो मैं आप उनके लिए बताता हूं कि एक्सिस बैंक का, ICICI बैंक का, HDFC के बैंक का CSP कैसे उनको मिलेगा फ्री में। और यहां पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन कर न्यू यूजर हैं तो यहां पे क्लिक करेंगे, अगर आप पहले से कर चुके हैं तो यहां पे आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे जैसे क्लिक करेंगे सबमिट, ओके, जैसे सबमिट करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। क्या क्या चीज आपके पास में होना चाहिए सब चीज बारीकी से पढ़ लेंगे। आपके पास में IIBF का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, पैन कार्ड भी होना चाहिए, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपको यहां से मिल जाएगा। उस वक्त कंटिन्यू करेंगे, यहां से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फाइनली इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। सिंपल आ जाना है आपको गूगल में, यहां पे लिखना है आपको CSP डिजिटल सेवा, सिंपल लिख के आपको एंटर करना है। जैसे एंटर करेंगे आपके सामने देखेंगे सबसे पहले ही आपका आ जाएगा CSP डिजिटल सेवा, सिंपल आपको यहां पे क्लिक कर देना है। यहां पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है। अगर आप मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो मोबाइल में भी आप आसानी से इसको भी खोल सकते हैं। डायरेक्ट साइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट वहां से भी जा सकते हैं। अब देख सकते हैं यहां पे क्या बताया गया है, टॉप 5 CSP के बारे में है, टॉप 5 APS के बारे में है, राइट। अभी आपको ये सब चीज एक एक करके पढ़ना है, यहां पे पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहां से भी मिल जाएगा आसानी से। उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है, नीचे आएंगे तो यहां पे देख सकते हैं कि CSE द्वारा मिलेगा एक्सिस बैंक ग्राहक सेवा केंद्र फ्री, अप्लाई ऑनलाइन करें 2021 में। यहां पे भी है CSE डीजी पे माइक्रो ATM 2021, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर लेंगे इस पे। सिंपल आपको यहां पे क्लिक कर देना है। यहां पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। अब आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें बताया गया है
कि किस तरीके से आप बिल्कुल फ्री में एक्सिस बैंक का सीएससी के माध्यम से सीएसपी ले सकते हैं, इसमें करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसका सेटलमेंट एट ए टाइम होता है, जब भी जो भी ग्राहक का पैसा आप निकासी करेंगे डायरेक्ट उसके अकाउंट से कट के आपके सेटलमेंट अकाउंट में चला आएगा, और इसमें कमीशन भी बहुत बढ़िया मिलता है। तो आप सब कुछ यहाँ पे पढ़ लेंगे एक्सिस बैंक का कैसे करना है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि आप यहाँ पे सीएससी बीसी सेंटर लिस्ट आप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक लिस्ट खुल के आ जाता है, राइट। अब देख सकते हैं कि ये लिस्ट थोड़ा टाइम लेगा, अब ये लिस्ट खुल के आ जाता है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। आप देख लेंगे कि आपके शहर के आसपास में ये लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो आसानी से मिल जाता है, नहीं भी है फिर भी कोई बात नहीं, आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आप अपने एरिया का डिस्ट्रिक्ट वाले से बात करेंगे, वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं, राइट। उसके बाद नीचे आपको स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ लेना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा सारा चीज आपको यहाँ पे बताया गया हुआ है। यहाँ पे एक चीज और प्लस चीज आपको मिलेगा एक्सिस बैंक के द्वारा, आपको 1 लाख का यहाँ पे मुद्रा लोन भी मिलने वाला है। तो ये सारा चीज पढ़ लेंगे आप एक्सिस बैंक के बीसी अप्लाई करने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में आप अपने जरूरत के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख करके कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। आई होप दोस्तों कि ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।